आप लोग जो बार बार कहते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का युगफल 180 डिग्री होता है, आपको पता भी है वो कहां से आया है भाई? जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का युगफल 180 डिग्री, पर कैसे? देखो ये कॉन्सेप्ट आपको जानने पड़ेंगे। अगर ये दो समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन है तो भाई ये इनकी त्रियक रेखा है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल किरणागत कोण होते हैं। अगर कोई सीधी रेखा है मेरे दोस्तों तो एक पूरा चक्कर 360 डिग्री है, तो आधा राउंड कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। बस यही दो कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल होते हैं। भाई अगर मैं अपनी मर्जी से साइड बीसी के पैरेलल यहां पे एक समांतर रेखा खींच लूं तो आप मुझे बताओ, अगर ये वाला एंगल आपका बी है भाई साहब तो ये भी बी होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर अल्टरनेट एंगल। अगर ये एंगल आपका सी है तो ये एंगल भी सी होगा, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण है ना। तो मेरे दोस्तों ये वाला एंगल कितना है? ए। और ये सीधी रेखा, और सीधी रेखा होने की वजह से ए प्लस बी प्लस सी बच्चों कितना हो गया? 180 डिग्री। ये इसके पीछे कारण है। त्रिभुज क्यों? चतुर्भुजो, पंचभुजो, षट्भुजो, सब कुछ सीखो ना। अगर सीखो तो ऐसी ट्रिक सीखो तो सब कुछ आता हो। मेरी बात समझे आप। एक वर्त खींचा गया है, आप इसको कितना डिग्री मानोगे? आप इसको बोल दोगे 360 डिग्री है जी। ईमानदारी से पता होना चाहिए 360 डिग्री है क्या। मैं यहां खड़ा हूं और मैं घूम के यहीं वापिस आ जाऊं तो इसको 360 डिग्री कहा जाता है। हमें बनाना है त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी भुजा हो? तीन भुजा हो। त्रिभुज बनाना है मुझे यहां से, तो आपको क्या करना है? मैं यहां खड़ा हूं, आपको तीन वर्ग में एक दो तीन, तीन वर्ग में 360 घूम के आना है। ऑटोमेटिक अंदर के कोण ऑटोमेटिक जो इस धरती पर बनने होंगे वे अपने आप बन जाएंगे, चाहे फिर वो चतुर्भुज हो। चतुर्भुज हो तो चार बार आ जाओ, एक दो तीन चार। पंचभुज हो पांच बार, एक दो तीन चार पांच। तो त्रिभुज है तो तीन वर्ग में 360 डिग्री घूम के वापिस आ जाओ। चतुर्भुज है चार बार घूम के 360 डिग्री वापिस आ जाओ। पंचभुज है 360 डिग्री पांच बार के में घूम के वापिस आ जाओ। ऑटोमेटिक अंदर के कौन ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जैसे पॉइंट है, इस पर एक लकीर डाल ली, 180 डिग्री है नहीं है ये, मैं यहां से गया 60, तो भार का कितना हो गया 120। तो भार का 120 हो गया नहीं हो गया, एक कोण हो गया भार का 120, एक बार घूम चुका हूं। अब ये देखो आप, ये कितना डिग्री जा रहा? पूरा सीधा 180 है, मैं यहां से 60 जा रहा हूं, तो भार का कितना हो गया 120। 120 और 120 240, क्योंकि आप देख लो पूरा 360 घूमना है, तीन बार के बाद 360 घूमना है। अब मैं सीधा आ रहा हूं, ये कितना है 120 है, सीधा क्या ले लोगे आप 60 ले लो। भार का कितना 120, 120 120 120 कितना हो गया 360 डिग्री। तो वापिस आ गया नहीं आ गया, मैं घूम गया 360 डिग्री, ऑटोमेटिक अंतर कौन आ जाएगा आपके 60 60 60 कितना आ गया 180।